Hello friends, welcome to the next video of computer networks. So till now we have discussed 50 questions of computer networks. So today we will discuss question number 51 to 100 in computer networks. So question 1 says, which one of the following is true with respect to TCP? We know one thing, that TCP is a transport layer protocol. Okay, TCP kya hai? Ek transport layer protocol hai. Aur transport layer pe hum do protocol use karte hain, TCP and UDP. Agar hume service provide karni hai connection oriented reliable, to hum TCP use karenge. Aur agar hume service provide karni hai unreliable or connectionless service, then we will use UDP. So the correct answer is connection oriented. TCP is connection oriented because किस कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट करने से पहले टीसीपी पहले थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा उस एंटिटी के साथ में. उसके बाद में वो अपने पैकेट्स अपने सेगमेंट सेंड करना स्टार्ट करेगा और हर एक सेगमेंट के लिए आपके पास में एक एक्नॉलेजमेंट आएगा. एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, इसका मतलब यही है कि रिलायबल सर्विस है. रिलायबल मींस के जो डिलीवरी है वो गारंटीड है, सेगमेंट की डिलीवरी गारंटीड है. और दूसरी चीज हम जानते हैं कि टीसीपी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी गारंटी करता है, प्रोसेस टू प्रोसेस. And ये transport layer protocol है. So all of the mentioned above are correct about TCP. So, question number 2. In TCP, sending and receiving data is done as stream of bytes, sequence of characters, lines of data or packets. Packets are used in network layer. So it is asking about the TCP. TCP में हम किस तरह से data send करते हैं. तो अगर हम TCP की बात करें, let's say ये दो entities हैं, ये sender है और ये आपका receiver है. तो पहले क्या होगा, पहले थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा. ओके, सो कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के लिए क्या होगा, पहले ये सेंड करेगा फिन पैकेट. फिन मींस आई वांट टू फिन नॉट फिन. सो सेंडर सेंड करेगा पैकेट सिन, और सिन पैकेट सेंड करने का मतलब है कि आई वांट टू कनेक्ट. सो सेंडर सेंड करेगा आई वांट टू कनेक्ट. उसके बाद में रिसीवर सेंड करेगा ओके सिन आई ऑल्सो वांट टू कनेक्ट प्लस एक्नॉलेजमेंट के जो आपने सेगमेंट सेंड किया वो मुझे मिल गया है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन. उसके बाद में सेंडर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और फिर अपना डेटा सेंड करना स्टार्ट करेगा. तो जब सेंडर डेटा स्टार्ट करना तो कोई सिक्वेंस नंबर जनरेट करेगा रैंडमली. लेट से उसको पहला सेगमेंट सेंड करना है सेगमेंट 1, और इसमें लेट से इस सेगमेंट का साइज है 100 बाइट्स. तो 100 बाइट का मतलब यह है कि अब ये सेगमेंट जो होगा इसमें 0 से 99 तक सेगमेंट्स होंगे, 0 से 99 तक बाइट होगी. तो सेगमेंट नंबर को जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं तो सेगमेंट नंबर को हम सीक्वेंसिंग बाइट्स के अकॉर्डिंग करते हैं. यानी कि अगर आपका सेगमेंट 100 बाइट का है तो उसके अंदर 100 सेगमेंट्स 100 सीक्वेंस नंबर्स होंगे. तो अगली बार जो एक्नॉलेजमेंट आएगा 100. ओके, जो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वो करेगा 100. इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट सेगमेंट एक्सेप्ट नेक्स्ट बाइट एक्सपेक्टेड. सो ये सेंड करेगा 0 से 99 तक बाइट्स, और ये रिसीवर जो एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा वो होगा 100. सो जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं इन सेगमेंट में सीक्वेंसिंग बाइट वाइज करते हैं, यानी कि बाइट नंबर्स होंगे. तो स्ट्रीम ऑफ बाइट्स की फॉर्म में हम डेटा सेंड करते हैं, क्योंकि सीक्वेंस नंबर हम हर एक इंडिविजुअल बाइट को देते हैं, ना कि सेगमेंट को. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीसीपी प्रोसेस मे नॉट राइट एंड रीड डेटा एट द सेम स्पीड, सो वी नीड बफर्स. ओके, व्हाट वी डू इज, कभी कभी ऐसा होगा कि या तो सेंडर या फिर रिसीवर स्लो होगा. अगर सेंडर एंटिटी स्लो है या फिर रिसीवर एंटिटी स्लो है, लेट्स से अगर रिसीवर स्लो है और सेंडर बहुत स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, तो क्या होगा कि रिसीवर का बफर ओवरफ्लो हो जाएगा. टीसीपी क्या यूज़ करता है, टीसीपी दोनों साइड पे, सेंडर साइड पे भी और रिसीवर साइड पे भी एक बफर यूज़ करेगा. तो जो भी आपके सेगमेंट्स आ रहे होंगे, रिसीवर क्या करेगा, उनको बफर्स में स्टोर करता रहेगा. बफर की जरूरत क्यों है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा आपके जो सेगमेंट्स से वो आउट ऑफ ऑर्डर आएंगे. अगर सेगमेंट्स आउट ऑफ ऑर्डर आ रहे हैं तो आपको शॉर्टिंग की जरूरत पड़ेगी. सो इसलिए आप क्या करते हो, पहले उन सारे सेगमेंट्स को, अगर कोई सेगमेंट आउट ऑफ ऑर्डर आ रहा है तो आप उसको एक बफर के अंदर स्टोर कर लोगे, और बाद में उनको शॉर्ट करने के बाद में तब एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर करोगे. ओके, टीसीपी रिसीवर साइड में टीसीपी क्या करेगा, सेंडर साइड में एप्लीकेशन लेयर अपना डेटा टीसीपी को देगी, और रिसीवर साइड में टीसीपी डेटा रिसीव करने के बाद में एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर करेगा. इसलिए हमें एक बफर की जरूरत पड़ती है अगर आउट ऑफ ऑर्डर आपके सेगमेंट्स आ रहे हैं तो उनको ऑर्डर मिलाने के लिए, क्योंकि टीसीपी आउट ऑफ ऑर्डर पैकेट्स रिसीव कर सकता है लेकिन डिलीवर एप्लीकेशन लेयर को ऑर्डर में ही करेगा. सो इसलिए ऑर्डर भी गारंटी करता है, टीसीपी गारंटीज द ऑर्डर डिलीवरी.
TCP groups a number of bytes together into a packet called what? So we know that TCP is a transport layer protocol, और transport layer protocol को हम किसी भी packet data के packet को हम segment बोलते हैं, okay? Packet बोलते हैं network layer पे. तो जो भी bytes हम एक साथ we will collect the bytes and will make a segment. Question number 5, communication offered by TCP is full duplex. Full duplex means कि sender entity and receiver entity दोनों एक साथ data send कर सकते हैं. TCP की ये feature है. Feature क्या है कि वो three-way handshaking के through connection establish करेगा और जो आपको communication provide करेगा, communication भी full duplex होगा. Okay. Let's say आपके पास में दो entity है, sender and receiver. तो initially ये कोई data send करेगा. इसने कोई डेटा सेंड किया, लेट्स से सेगमेंट नंबर 0. अब ये रिसीवर, अब रिसीवर क्या करेगा, अपना डेटा भी सेंड करेगा और साथ के साथ उसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करेगा. मतलब क्या करेगा, लेट्स से इसने अपना पहला सेगमेंट सेंड किया है सेगमेंट नंबर 0 प्लस ये सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट नंबर 1. दोनों चीज एक साथ सेंड करेगा, मतलब जो उसने सेगमेंट रिसीव किया है उसका एक्नॉलेजमेंट भी और अपना सेगमेंट भी सेंड कर रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों साइड से सेंड और रिसीव हो रहा है. कभी ये एज ए सेंडर काम कर रहा है, कभी ये एज ए सेंडर काम कर रहा है. तो वो एक ही सेगमेंट के अंदर दोनों चीज सेंड कर सकता है, कि डेटा भी और सेगमेंट भी. सो इसलिए हम बोलेंगे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा, सेम टाइम पे दोनों सेंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, टू अचीव रिलायबल ट्रांसपोर्ट इन टीसीपी व्हाट इज यूज्ड टू चेक द सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ डेटा. क्योंकि आप किस चीज के ये गारंटी करते हो कि डेटा सेफली रिसीवर की साइड में पहुंच चुका है. जब भी कोई टीसीपी लेयर से आप डेटा सेंड करोगे, टीसीपी लेयर जब भी कोई सेगमेंट सेंड करेगी रिसीवर को, रिसीवर उसका एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा. ओके, उस एक्नॉलेजमेंट को देख के आप समझ जाओगे कि आपने जो सेगमेंट सेंड किया था वो गारंटी हो गया है कि वो सेंड हो गया है वहाँ पे. एक्चुअल में यूडीपी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए उसको अनरिलायबल बोलते हैं. अगर आपने कोई सेगमेंट सेंड किया यूडीपी का यूज करके ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो आपके पास में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा. अगर आपके पास में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं चलेगा कि सेगमेंट आपका रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है. लेकिन टीसीपी ये गारंटी करता है कि आपने जब भी कोई सेगमेंट सेंड किया तो उस सेगमेंट के आपके पास में एक एक्नॉलेजमेंट आएगा. सो डी, एक्नॉलेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो गारंटी, जो ये चेक और सेफ एंड साउंड अराइवल ऑफ डेटा, इसके लिए हम एक्नॉलेजमेंट यूज करते हैं. एक्नॉलेजमेंट ऐसी एक ऐसा अलग से सेगमेंट होगा, एक्चुअली में ये भी सेगमेंट ही होगा लेकिन ये डिफरेंट टाइप का सेगमेंट होगा. यह गारंटी करेगा कि आपका सेगमेंट फाइनली रिसीव हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 7, इन सेगमेंट हेडर सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर फील्ड रेफर टू व्हाट. ओके, सो हमें पता है कि हमारे टीसीपी का जो हेडर है उसके हेडर में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, टोटल लेंथ. सो ये चीजें हैं. तो उसमें दो फील्ड हैं, सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर. इनके बारे में क्या आप क्या कह सकते हो, ये किस लिए यूज करते हैं हम, ये किस चीज को रेफर करते हैं? ये दोनों के दोनों रेफर करते हैं बाइट नंबर को. सीक्वेंस नंबर इस चीज को रेफर करता है कि मैं कौन सी बाइट सेंड कर रहा हूँ, मैं बाइट नंबर 1000 सेंड कर रहा हूँ या 1023 सेंड कर रहा हूँ. एक्नॉलेजमेंट इस चीज को रेफर करता है कि अगली बाइट कौन सी एक्सपेक्टेड है, यानी कि लेट्स से ये कहेगा 1024. तो अगर आपने 0 से लेके 1023 तक सेंड की, आपके पास में एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा 1024. हर एक चीज का एक नंबर होगा, सीक्वेंस का भी एक नंबर, सीक्वेंस भी एक नंबर होगा, एक्नॉलेजमेंट भी एक नंबर होगा. तो एक्नॉलेजमेंट नंबर है नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर एक्सपेक्टेड. ओके, तो दोनों के दोनों बाइट को रेफर करते हैं कि बाइट नंबर कौन सी पहुंची है, और एक्नॉलेजमेंट बताएगा कि बाइट नंबर कौन सी रिसीव हुई है. क्वेश्चन नंबर 8, सपोज अ टीसीपी कनेक्शन इज ट्रांसफरिंग अ फाइल ऑफ 1000 बाइट्स, द फर्स्ट बाइट इज नंबर 10001. What is the sequence number of the segment if all data is sent only in only one segment? तो ये कह रहा है कि आप एक सेगमेंट सेंड कर रहे हो सेंडर से रिसीवर को, और उस वो सेगमेंट का साइज है 1000 bytes, और उस सेगमेंट में पहली बाइट का जो नंबर है वो है 10001. मतलब क्या है कि आप एक सेगमेंट सेंड कर रहे हो, उस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर पूछ रहा है कि what is the sequence number of segment. So initially क्या है सेगमेंट नंबर, पहली बाइट का नंबर है 10001. ओके, फर्स्ट बाइट इज नंबर 10001 और साइज क्या है 1000 बाइट्स, विच मींस 10001 से 11000 तक बाइट्स जाएंगी. ओके, 10001 बाइट से लेके 11000 बाइट्स तक इसके पास जाएंगी. तो सेगमेंट नंबर क्या होगा, ये तो सब तो बाइट नंबर्स हैं, 10001, 10002, इस तरह से 1000 बाइट्स है. सो 10001 से 11000 तक जाएगा, और आपके पास में जो एक्नॉलेजमेंट आएगा
11001, क्योंकि एक्नोलेजमेंट नंबर क्या है कि नेक्स्ट सेगमेंट आप कौन सा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि सेगमेंट का जो नंबर होगा, सेगमेंट नंबर का मतलब क्या है, सेगमेंट के सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि पहली बाइट का एड्रेस, फर्स्ट बाइट नंबर, और यहां पे पहली बाइट का नंबर क्या है 10001, तो 10001 ही सीक्वेंस नंबर होगा। सीक्वेंस नंबर का मतलब यही कि जो आप डेटा सेंड कर रहे हो उसकी पहली बाइट का नंबर क्या है। यहाँ पे बताया हुआ कि पहली बाइट का नंबर है 10001, वही सेगमेंट नंबर है। तो अगले सेगमेंट का नंबर होगा 11001, फिर आप यहाँ से सेंड करोगे सेगमेंट नंबर 11001, अगर वो भी 1000 का है तो अगला एक्नॉलेजमेंट जो आएगा वो आएगा 12000। ठीक है, इस तरह से डेटा सेंड रिसीव होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ एक्नॉलेजमेंट फील्ड इन ए सेगमेंट डिफाइंस व्हाट। एक्नॉलेजमेंट फील्ड क्या बताता है, एक्नॉलेजमेंट फील्ड ये बताएगा कि इतना डेटा वो रिसीव कर चुका है अभी तक। ओके, ऑब्वियसली क्या बताएगा, अगर मैं अभी पिछला एग्जांपल देखूं तो आपने बाइट सेंड की 10001 से लेके 11000 तक, और अब इसने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया 11001, इसका मतलब क्या है कि ये इतना डेटा रिसीव कर चुका है, 11001 बाइट्स रिसीव कर चुका है। तो नंबर ऑफ बाइट्स, नंबर ऑफ प्रीवियस बाइट्स टू रिसीव, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टू रिसीव, नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट्स टू रिसीव, और सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वंस। तो ये सीक्वेंस नंबर क्या बताएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या बताएगा कि अगली बाइट कौन सी एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट नंबर ऑफ नेक्स्ट बाइट्स टू रिसीव। ओके, तो जैसे मैंने अभी बताया, इसने अभी सीक्वेंस नंबर 10001 से 11000 तक सेंड कर चुका है, अब एक्नॉलेजमेंट किसके लिए आएगा, 11001 का मतलब क्या है कि अगली बाइट ये सेंड करनी है आपको, ये रिसीव सेंड जो एक्नॉलेजमेंट है उसके थ्रू ये बता रहा है रिसीवर सेंडर को कि मैं 11000 तक रिसीव कर चुका हूँ, अब आपको अगली बाइट जो सेंड करनी है वो 11001 सेंड करनी है। तो सेंडर सेंड करेगा 11001। क्वेश्चन नंबर 10, द रिसीवर ऑफ द डेटा controls the amount of data that are to be sent by the sender is referred as what? The receiver of the data controls the amount of data, कितना data send कर, कितना data receive करना है, receiver इस चीज़ को किसके through control करता है, receiver इस चीज़ को, एक चीज़ होगी आपके पास में flow control दो layers में होगा, transport layer में और data link layer में। data link layer में जो flow control होगा वो local flow control होगा। okay, ट्रांसपोर्ट लेयर में जो फ्लो कंट्रोल होगा वो आपको ग्लोबल फ्लो कंट्रोल होगा, मतलब सेंडर से रिसीवर तक पॉइंट टू पॉइंट फ्लो कंट्रोल होगा। फ्लो कंट्रोल ये चीज इंश्योर करेगा कि कभी ऐसा ना हो कि डेटा आपका लॉस्ट ना हो। लॉस्ट मींस क्या है, रिसीवर स्लो भी है तो वो डेटा इतना ही सेंड करे सेंडर जितना रिसीवर हैंडल कर सकता है। और ये रिसीवर कैसे बताएगा कि वो कितना डेटा हैंडल कर सकता है, रिसीवर के पास में एक रिसीवर विंडो होगी और हर एक सेगमेंट को रिसीव करने के बाद में रिसीवर अपनी विंडो को एडवर्टाइज करेगा कि मेरी विंडो का साइज अब ये है। तो जब रिसीवर सेंडर उस विंडो साइज को रिसीव करेगा तो सेंडर समझ जाएगा कि अगली बार मुझे इतना डेटा सेंड करना है। मतलब क्या है, लेट से दो एंटिटीज है सेंडर एंड रिसीवर, और रिसीवर के इनिशियली विंडो साइज जो है वो रिसीवर का विंडो साइज है 4KB। अभी सेंडर ने डेटा सेंड किया लेट से 2KB और इसने अपने बफर में 2KB स्टोर कर लिया। ओके, अब अगली बार इनिशियली क्या होगा, जब आपने आपने देखा था कि थ्री वे हैंडशेकिंग के थ्रू हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं पहले, तो जब कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं उस टाइम रिसीवर अपनी विंडो भी शेयर करेगा सेंडर के साथ में कि मेरी विंडो का साइज ये है, तो सेंडर उसी विंडो के साइज के अकॉर्डिंगली डेटा सेंड करेगा। अब इसने 2KB सेंड किया तो रिसीवर ने कहा कि मेरी विंडो का साइज है, रिसीवर विंडो का साइज है 2KB, तो अब रिसीवर, अब जो सेंडर होगा वो 2KB ही सेंड करेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, नहीं तो क्या होगा, डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा रिसीवर साइड में और वो लॉस्ट हो जाएगा। तो कितना डेटा कंट्रोल करना है, इसको बोलते हैं कंट्रोल फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स। ओके, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट फ्लो कंट्रोल टेक्निक्स इन दिस, लाइक गो बैक एंड स्टॉप एंड वेट, ऑल दिस टेक्निक्स वी यूज फॉर फ्लो कंट्रोल। सो इज द राइट आंसर, कितना डेटा रिसीव करना है ये चीज़ हम कंट्रोल करते हैं फ्लो कंट्रोल के थ्रू। 11th क्वेश्चन इज, साइज ऑफ टीसीपी सेगमेंट हेडर रेंज बिटवीन व्हाट। सो टीसीपी का हेडर साइज क्या होगा, यह है टीसीपी का हेडर जिसमें हम चीज़ें इंक्लूड करते हैं, सोर्स पोर्ट नंबर 16 बिट का है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16 बिट का है, उसके बाद में सीक्वेंस नंबर 32 बिट, एक्नॉलेजमेंट नंबर 32 बिट। इनका मतलब क्या है कि आपके पास में 2 to the power 0 से लेके 2 to the power 32 - 1 तक सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी 0 से लेके 0 to 2 to the power 32 - 1 तक एक्नॉलेजमेंट हो सकते हैं। हेडर लेंथ ये बताएगा कि हेडर का साइज क्या होगा, तो हेडर लेंथ जो है वो 4 bits का है। ओके, 4 bits का है, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1111, दैट इज 15।
तो क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो मैंडेटरी है, ओके, ये ऑप्शनल पार्ट नहीं है, मैंडेटरी पार्ट है। तो इन जो मिनिमम वैल्यू होगी यहाँ पे हेडर लेंथ के अंदर, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट शुड बी 5010, ओके। क्योंकि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रोज इन दी हेडर, इस हेडर में कितनी रोज है। तो आप ध्यान से देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 रोज जो है वो मैंडेटरी है हेडर में, बाकी की जो 2 रोज है वो ऑप्शनल है, ओके। तो 5 रो मैंडेटरी है, इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू 0101 तो होगी होगी, उसके बाद में ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है इससे। सो 0101 से लेके 1111 तक हेडर हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि 11 मतलब का कि 15 रोज हो सकती है, इसका मतलब क्या है कि 5 रोज हो सकती है। तो अगर आप, एक रो कितने बिट की है, एक रो 32 बिट्स की है, आप देख सकते हो, आप एक रो 32 बिट की, इसका मतलब क्या है कि 4 बाइट की है। तो अगर एक रो 4 बाइट की है तो मिनिमम हेडर का साइज हो सकता है 20 बाइट्स, और मैक्सिमम क्या हो सकता है 15 × 4, दैट इज 60 बाइट्स। तो ये जो नंबर होगा यहाँ पर, वो नंबर चार, वो 4 बिट का नंबर रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके हेडर में, और हर एक रो का साइज हमें पता है कि 4 बाइट्स है। तो मिनिमम हेडर का साइज 20 बाइट हो सकता है और मैक्सिमम 60 बाइट्स हो सकता है, यानी कि 20 एंड 60 बाइट्स, टीसीबी सेगमेंट हेडर रेंज बिटवीन 20 एंड 60 बाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12, कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट इन टीसीपी इज डन बाय विच मैकेनिज्म। वैसे जैसे मैंने अभी बताया कि कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट टीसीपी में 3-way हैंडशेकिंग के थ्रू होगा, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, साइज ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस ऑफ टीसीपी हेडर रेस्पेक्टिवली इज व्हाट। सो सोर्स पोर्ट नंबर एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 0 से लेके 2^16 - 1 तक पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं, मतलब क्योंकि पोर्ट 16 बिट का है तो इतने पोर्ट नंबर आपके पास हो सकते हैं। इनका मतलब क्या है कि 0 से लेके 65535 तक पोर्ट नंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से कुछ पोर्ट रिजर्व्ड हैं और कुछ फ्री हैं जो आप यूज कर सकते हो। सो सोर्स पोर्ट भी 16 बिट का है और डेस्टिनेशन पोर्ट भी 16 बिट का है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रेस्पेक्ट टू यूडीपी। हमें पता है कि यूडीपी क्या है, कनेक्शन लेस अनरिलायबल प्रोटोकॉल। ना तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है डेटा सेंड करने से पहले, और ना ही ये डेटा की डिलीवरी गारंटी करता है, यानी कि ना ही एक्नोलिजमेंट सेंड करता है। सो ऑब्वियसली कनेक्शन ओरिएंटेड तो है ही नहीं, ये अनरिलायबल प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है बिल्कुल, लेकिन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो ये दो तो ट्रू है, तो ऑब्वियसली ए इज फॉल्स, इट इज नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड, एक्चुअल यूडीपी इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 15, द मेन एडवांटेज ऑफ यूडीपी इज वॉट, लेस ओवरहेड। क्योंकि हेडर क्या है, एक अगर आप सेगमेंट की बात करो या पैकेट की बात करो, तो सेगमेंट में क्या होगा, हेडर प्लस डेटा, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। अगर हम बात करें टीसीपी में, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बात करें तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे बात करें तो पैकेट बोल देंगे, और डेटा लिंक लेयर पे बात करें तो उसको बोलते हैं हम फ्रेम। तो दो चीज़ होगी, हेडर एंड डेटा। जो हेडर वाला पार्ट है ये ओवरहेड है, ये एक्चुअल में आपका जो डेटा है वो नहीं है, लेकिन अलग इन्फॉर्मेशन है, और जैसे कि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, कुछ फ्लो कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन, कुछ एरर कंट्रोल की इन्फॉर्मेशन, तो ये सब क्या है, ये सब ओवरहेड है, हेडर को हम ओवरहेड बोलते हैं इसीलिए। लेकिन अगर हम बात करें टीसीपी की, हमारे पास में दो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्ट लेयर में, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी का जो हेडर है वो 20 से लेकर 60 बाइट तक हो सकता है, लेकिन यूडीपी का हेडर जो है वो यूडीपी का हेडर 8 बाइट्स का है, और वो भी लिमिटेड है। तो यूडीपी का हेडर 8 बाइट का है और टीसीपी का हेडर 15 से लेकर 20 से लेकर 60 बाइट तक हो सकता है। तो ऑब्वियसली यूडीपी में क्या हो रहा है कि लेस ओवरहेड हो रहा है, क्योंकि हेडर साइज छोटा है। जितना कम हेडर होगा उतना कम ओवरहेड होगा, क्योंकि हेडर क्या है, ओवरहेड है सेगमेंट के अंदर। सो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑब्वियसली रिलायबल तो है ही नहीं, ओके, फास्ट भी नहीं है, लेकिन लेस ओवरहेड है, मीन्स हेडर साइज छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द हेडर साइज ऑफ यूडीपी। एज वी टॉक्ड, हेड यूडीपी का हेडर साइज क्या है, 8 बाइट्स, ओके। दो ही रोज हैं सिर्फ, एक रो 32 बिट्स की है, 0 से लेके 31 बिट्स। उन 32 बिट्स में से 16 बिट का पोर्ट नंबर, 16 बिट का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, उसके बाद में टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब है कि टोटल मिला के पूरा पैक सेगमेंट का साइज क्या है। टोटल लेंथ का मतलब है सेगमेंट का साइज। सेगमेंट में दो चीजें होती हैं, हेडर एंड डेटा और चेकसम, ये चार, फिर चार फील्ड है हमारे पास इस हेडर के अंदर, उसके बाद में डेटा है, ओके। जैसे हमने बताया कि हेडर एंड डेटा दो चीज़ें होती है एक सेगमेंट के अंदर, तो ये सेगमेंट का फॉर्मेट है। सेगमेंट के अंदर हम हेडर की बात कर रहे हैं, तो हेडर का साइज क्या है, 2 रोज हैं आपके पास में,
और हर एक रो 32 बिट की है, यानी कि 4 बाइट्स की है, तो पूरा हेडर हुआ 8 बाइट का। ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आईपी, ओके, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एरर रिपोर्टिंग, हैंडल एड्रेस कन्वेंशंस, डेटाग्राम फॉर्मेट, पैकेट हैंडलिंग कन्वेंशंस। हमें पता है कि एरर रिपोर्टिंग जो काम है वो आईपी का नहीं है, नेटवर्क लेयर में हम इसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए स्पेशली आईसीएमपी यूज करते हैं, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, इसके पास में बहुत सारे मैसेजेस हैं और हर एक मैसेज का एक नंबर है। अगर कोई भी एरर आया नेटवर्क लेयर पे पैकेट को सेंड करते हुए राउटिंग के टाइम, उन सब को रिपोर्ट करेगा आईसीएमपी, सोर्स राउटर को और डेस्टिनेशन राउटर को। अगर सोर्स राउटर ने कोई पैकेट सेंड किया और रास्ते में वो पैकेट लेट से लॉस हो गया या रास्ते में आपकी लिंक ब्रॉक हो गई, तो आईसीएमपी एक मैसेज सेंड करेगा सोर्स राउटर को कि आपने जो पैकेट सेंड किया था वो बीच में लॉस हो गया है। या फिर अगर जहाँ पे आप सेंड कर रहे हो पैकेट, लेट से जो डेस्टिनेशन है, अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है ड्यू टू सम रीजंस, तो आईसीएमपी सोर्स राउटर को या फिर जहाँ से पैकेट आया है उस सोर्स को इन्फॉर्म करेगा कि योर पैकेट इज अनरीचेबल। उसको बोलते हैं सोर्स क्विंच मैसेज। तो कई तरह के मैसेज है आईसीएमपी में जो हम यूज करते हैं एरर रिपोर्टिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इन IPv4 डेटाग्राम इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कल बताया था कि हर एक आप इनिशियली क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर से चलेगा एक मैसेज। ओके, एप्लीकेशन लेयर पे जो भी आप रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे कोई भी प्रोटोकॉल यूज करके, लेट से HTTP यूज किया आपने, HTTP के थ्रू आप क्या करते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो। अपने वेब ब्राउजिंग के थ्रू कोई वेब पेज रिक्वेस्ट किया, HTTP रिक्वेस्ट जाएगी मैसेज बन के। अब वो मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होगा, सेगमेंट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी इस मैसेज को हमने फ्रेगमेंट किया ट्रांसपोर्ट लेयर पे। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर से जो सेगमेंट पास हुए नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे भी फ्रेगमेंटेशन होगा और ये सेगमेंट पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, और हर एक पैकेट के साथ में हम एक हेडर ऐड करेंगे। इसी तरह नेटवर्क लेयर से जो पैकेट जाएंगे वो डेटा लिंक लेयर पे जाने के बाद में फ्रेम्स में डिवाइड होंगे। उसी तरह से डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम हम फिजिकल लेयर पे पास करेंगे वो बिट्स की फॉर्म में जाएंगे। तो जब फ्रेगमेंटेशन होगा नेटवर्क लेयर पे, हम बात कर रहे हैं नेटवर्क लेयर की क्योंकि हम आईपी की बात कर रहे हैं और आईपी एड्रेस यूज होगा नेटवर्क लेयर पे। तो आईपी लेयर और नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स को हम फ्रेगमेंट करते हैं और फ्रेगमेंटेशन के लिए हम बहुत सारे फील्ड यूज करते हैं। अगर आप सेकेंड रो को देखो तो सेकेंड रो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है फ्रेगमेंटेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स, फ्रेगमेंट ऑफसेट, ये सब हम यूज़ करते हैं एक सेगमेंट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए। आपने कोई फ्रेगमेंट, लेट से आपके पास में एक सेगमेंट था और सेगमेंट का साइज था लेट से 1024 KB। अब नेटवर्क लेयर ने कहा कि अब मैं इस पूरे सेगमेंट को एक पैकेट में नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा राउटर का बफर जो है वो छोटा है और मेरा राउटर इतना सेगमेंट हैंडल नहीं कर सकता है, लेकिन मेरे जो बफर का साइज है वो है 64 KB। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट को डिवाइड कर देगी पैकेट्स में 102 KB डिवाइड बाई 64 KB, यानी कि 64 KB के पैकेट्स में डिवाइड कर देगी। और ये पैकेट्स आएंगे लेट्स से 16 पैकेट्स। तो ये इस नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट को 16 पैकेट्स में डिवाइड कर देगी। अब क्या होगा, 16 पैकेट्स में डिवाइड करने के बाद में हर एक पैकेट पे एक सेगमेंट नंबर, एक फ्रेगमेंट ऑफसेट होगा और एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर हम यूज़ करेंगे जब रिसीवर के साइड में जाने के बाद में, रिसीवर साइड पे वो पैकेट्स पहुंचेंगे नेटवर्क लेयर पे और नेटवर्क लेयर क्या करेगी, उनको उस जहां सेंटर साइड में फ्रेगमेंट होगा पैकेट सेगमेंट और रिसीवर साइड में जाने के बाद में वो आपस में कंबाइन होकर एक सेगमेंट बनेंगे। ओके, यानी कि डीफ्रेगमेंटेशन होगा। तो रिसीवर साइड में जब आप उन पैकेट्स को कंबाइन करोगे एक सेगमेंट में, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर काम आएगा इस चीज़ को बताने के लिए कि कौन से पैकेट के बाद में कौन सा पैकेट है। ओके, पैकेट को ऑर्डर करके सेगमेंट बनाने के लिए। तो तीन फील्ड है, आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ्लैग्स, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स होंगे, मोर फ्रेगमेंट्स, डोंट फ्रेगमेंट, इस तरह से यहाँ पे फ्लैग्स हैं। फ्लैग मतलब क्या है कि 1 बिट के होंगे, यहाँ पे या तो वैल्यू 1 होगी या फिर 0 होगी, ये तीन फ्लैग्स हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो मोर फ्रेगमेंट का मतलब यह क्या है कि जिस पैकेट के ऊपर ये डला हुआ होगा MF=0 लिखा हुआ होगा, जिस भी पैकेट के ऊपर MF=0 लगा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो लास्ट पैकेट है। MF means more fragment equals to 0, यानी कि more fragment नहीं है। अगर MF=1 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो पैकेट आपने अभी रिसीव किया है इसके बाद भी और भी पैकेट्स हैं।
तो रिसीवर साइड क्या करेगी, वेट करेगी उन और पैकेट को आने का। जब सारे पैकेट आ जाएंगे और लास्ट में जिस पैकेट पे MF=0 लिखा होगा उस पैकेट से क्या पता चल जाएगा आपको कि इसके बाद में और सेगमेंट्स नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप इन सबको कंबाइन करके एक नया सेगमेंट बना सकते हो। तो ये तीन फील्ड आइडेंटिफिकेशन, फ्लैग्स एंड फ्रेगमेंट ऑफसेट हम यूज करते हैं फ्रेगमेंटेशन के लिए। फ्लैग्स, ऑफसेट एंड आइडेंटिफायर, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। लेकिन जो टाइप ऑफ सर्विस है, TO इसका मतलब है टाइप ऑफ सर्विस, ये हम यूज करते हैं किसी और अलग अलग पर्पस के लिए। टाइप ऑफ सर्विस हम ये बताएंगे, इस ECN को हम टाइप ऑफ सर्विस बोलते हैं। टाइप ऑफ सर्विस में हम ये बताएंगे, ये पूरा फील्ड जो है 8 से लेकर 16 तक, ये टाइप ऑफ सर्विस है। ओके, TOC इसको, TOS उसको बोलते हैं, जो दो पार्ट्स में डिवाइड है, 6 बिट का DS एंड 2 बिट्स का ECN। तो ये बताएगा किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करनी है अपर लेयर को, कनेक्शन ओरिएंटेड या फिर कनेक्शन लेस, रिलायबल या फिर अनरिलायबल। तो ये टाइप ऑफ सर्विस बताएगा ये फील्ड। ओके, ये फ्रेगमेंटेशन के लिए नहीं है, फ्रेगमेंटेशन के लिए AB एंड D है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, द TTL फील्ड वैल्यू, फील्ड हैज वैल्यू 10, हाउ मेनी राउटर्स मैक्सिमम कैन प्रोसेस दिस डेटाग्राम। तो IP के हेडर में जब आपके पास आपका कोई पैकेट जाएगा, पैकेट के हेडर में एक 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 पर्टिकुलर फील्ड है और उस फील्ड का नाम है टाइम टू लीव, TTL फील्ड, जो कि 8 बिट का है, 0 से लेके 7। तो 8 बिट का ये फील्ड है टाइम टू लीव, यानी कि वैल्यू क्या हो सकती है मैक्सिमम 0 से लेके 8 बिट के साथ में 255 तक, ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है और ये मिनिमम वैल्यू। तो टाइम टू लीव जिस हर एक पैकेट पे टाइम टू TTL की कुछ वैल्यू होगी। अगर TTL की वैल्यू 10 है, ये वैल्यू हम यूज करते हैं, इसका यूज क्या है, TTL का यूज ये है कि अगर कोई पैकेट लूप कर रहा है, लेट से कहीं लूप में फंस गया कोई पैकेट, तो ये TTL फील्ड उसको लूप से बाहर आने में हेल्प करेगा। लूप में का मतलब क्या है, लेट से आपके पास में कई सारे राउटर्स थे और वो राउटर्स में एक साइकिल है। ओके, इस तरह से है राउटर्स, एक राउटर्स का सब नेटवर्क है, ये सब राउटर्स हैं, तो इनमें लूप है। अगर कोई पैकेट यहां से गया तो पैकेट यहाँ पे जाएगा, उसके बाद में फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से इसको फॉरवर्ड करेगा और ये फिर वापस से इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो ये पैकेट ऐसे लूप में घूमता रहेगा। तो लूपिंग बचाने के लिए हम TTL फील्ड यूज करते हैं। अगर TTL की वैल्यू लेट्स से 10 है तो क्या होगा, ये TTL की वैल्यू हर एक राउटर पे एक बार डिक्रीमेंट होगी। हर एक राउटर क्या करेगा, TTL की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। जैसे ही TTL की वैल्यू 0 हो गई किसी पैकेट के लिए, वो पैकेट हम ड्रॉप कर देंगे। ओके, सो ये वैल्यू बताएगी कि कितने राउटर्स के पास में वो जा सकता है, ओके, कितने राउटर्स उस पैकेट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो हर एक राउटर इसकी वैल्यू को -1 करेगा, इसका मतलब क्या है कि वो 10 राउटर पे मैक्सिमम विजिट कर सकता है, मिनिमम एक पे कर सकता है या फिर 0 पे, लेकिन मैक्सिमम 10 राउटर्स पे ही कर सकता है, क्योंकि हर एक राउटर इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहेगा और जैसे ही वो वैल्यू 0 पहुंची फिर उस पैकेट को हम ड्रॉप कर देंगे। सो द TTL फील्ड हैज वैल्यू 10, हाउ मेनी राउटर्स मैक्सिमम कैन प्रोसेस दिस डेटाग्राम, यानी कि 10 राउटर्स। TTL वैल्यू लूपिंग से बचाने के लिए यूज करते हैं, और लूपिंग से कैसे बचा रहे हैं, क्योंकि हर एक राउटर उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर दे रहा है TTL फील्ड की बाय 1, तो लास्ट में एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी वैल्यू 0 हो चुकी होगी और वो लूपिंग से बाहर निकल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट शुड बी द फ्लैग वैल्यू टू इंडिकेट द लास्ट फ्रेगमेंट। जैसे मैंने अभी बात की थी, जैसे आपके पास में एक सेगमेंट था, ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका मतलब क्या है। लेट्स से सेगमेंट है आपके पास में 1024 KB का, वो सेगमेंट पास हुआ नेटवर्क लेयर को और नेटवर्क लेयर पे पैकेट का साइज जो है मैक्सिमम पैकेट का साइज है लेट से 32 KB। अब क्या होगा, इस नेटवर्क लेयर इस सेगमेंट को पैकेट्स में डिवाइड करेगी, तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने आएंगे इस सेगमेंट के अंदर, नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे 32। ओके, क्योंकि 1024 KB डिवाइड बाई 32 KB मीन्स 2 to the power 10 डिवाइड बाई 2 to the power 5, दिस मीन्स 2 to the power 5, विच मीन्स 32। तो नंबर ऑफ पैकेट्स आएंगे 32। अब ये पैकेट्स कैसे जाएंगे, तो आपके पास में 32 ऐसे से पैकेट्स होंगे, उनके में हेडर होगा और डेटा होगा लाइक दिस। ओके, तो हर एक पैकेट पे क्या होगा, हर एक पैकेट पे ये इन्फॉर्मेशन होगी, हर एक पैकेट के पास में एक इन्फॉर्मेशन होगी कि ये पैकेट सेम सेगमेंट के हैं। हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सा पैकेट कौन से सेगमेंट का है, क्योंकि जो आप मैंने अभी IP के हेडर के अंदर कुछ फील्ड बताए थे, फ्रेगमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, फ्रेगमेंट ऑफसेट एंड फ्लैग्स, वो तीन वैल्यूज बताएंगी कि हर एक पैकेट कौन से सेगमेंट का है। तो जिस तरह ये पैकेट है, इस पे अगर इस पे टला हुआ होगा MF=1, इसका मतलब ये है कि और भी फ्लैग फ्रेगमेंट्स हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि मोर फ्रेगमेंट इक्वल्स टू वन मीन्स ट्रू।
ये कह रहा है कि मोर फ्रेगमेंट्स, इसका मतलब अपने अगर वैल्यू लिखी वन, इसका मतलब है कि हाँ और भी फ्रेगमेंट्स हैं इस सेगमेंट के, तो आप हर एक सेगमेंट के बारे में हर एक पैकेट से एक इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हो, क्या तुम्हारे अलावा कोई और भी पैकेट है इस सेगमेंट के अंदर। तो जहां जहां पे एम एफ इक्वल्स टू वन, इसका मतलब क्या है कि हाँ और भी पैकेट्स हैं। तो जब आप लास्ट वाले पैकेट पर पहुंचोगे, यानी कि पैकेट नंबर 31 पर, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से, ओके ये पैकेट नंबर जीरो है, तो लास्ट वाले पैकेट पर पड़ा हुआ होगा एम एफ इक्वल्स टू जीरो, मतलब और फ्रेगमेंट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बताएगा कि कौन सा ऑर्डर क्या है पैकेट्स का, कौन किसके बाद में कौन सा पैकेट अरेंज करना है, क्योंकि आपने सेगमेंट को डिवाइड किया है पैकेट्स में, तो डेटा भी अरेंज फॉर्म में जाना चाहिए। फ्रेगमेंट ऑफसेट बताएगा कि कितनी बाइट्स हैं इस फ्रेगमेंट में, एक फ्रेगमेंट के अंदर कितनी बाइट्स हैं, ये फ्रेगमेंट ऑफसेट बताएगा। तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट फ्रेगमेंट है, तो मैंने बताया कि लास्ट फ्रेगमेंट में एम एफ की वैल्यू, यानी कि मोर फ्रेगमेंट की वैल्यू जीरो होगी, सो ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आप इसके अलावा एक फील्ड और भी है, जैसे कि फ्लैग्स था, तो फ्लैग में तीन फ्लैग, दो फ्लैग्स हैं, मोर फ्रेगमेंट एंड डॉन्ट फ्रेगमेंट डीएफ। अगर डीएफ की वैल्यू वन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इस पैकेट को फ्रेगमेंट नहीं करना है फर्दर, ओके। डॉन्ट फ्रेगमेंट का मतलब क्या है कि इस सेगमेंट को फ्रेगमेंट मत करो। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दीज इज नॉट अप्लीकेबल फॉर आईपी प्रोटोकॉल। सो आईपी प्रोटोकॉल डज नॉट प्रोवाइड ऑफर रिलायबल सर्विस एंड इट ऑफर्स अनरिलायबल सर्विस, ओके। सो आईपी ऑफर्स अनरिलायबल सर्विस विच मीन्स इट डज नॉट गारंटी द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। डिलीवरी इज गारंटेड बाय द अपर लेयर्स लाइक ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 22, विच फील्ड हेल्प्स टू चेक रीअरेंजमेंट ऑफ फ्रेगमेंट्स। तो जैसे मैंने अभी बताया था, फ्रेगमेंट्स को जब आप रीअरेंज करोगे रिसीवर साइड में, सेंडर साइड में क्या करोगे, सेंडर साइड में सेगमेंट को पैकेट्स में डिवाइड करोगे, रिसीवर साइड में उन्हीं पैकेट्स को कंबाइन करके सेगमेंट बनाओगे, क्योंकि डेटा ऐसे जा रहा है, ऐसे सेंडर की साइड में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम, यानी कि मैसेज डिवाइड होगा फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट्स सेगमेंट्स डिवाइड होंगे पैकेट्स में, पैकेट्स डिवाइड होंगे फ्रेम्स में, इस तरह से बिट्स, फिर डेटा ऐसे जाएगा, और ये सब जैसे जैसे डिवाइड हुआ है ऐसे ऐसे कंबाइन होंगी चीज़ें, यानी कि फ्रेम्स जो है कंबाइन होकर एक पैकेट बनाएंगे, फिर पैकेट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, पैकेट्स कंबाइन होकर सेगमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद में सेगमेंट कंबाइन होकर मैसेज बनाएंगे, और फाइनली मैसेज डिलीवर होगा रिसीवर को। तो सेंडर को और रिसीवर को पता ही चलेगा कि उनका मैसेज बीच में बहुत बार फ्रेगमेंट हुआ था, सेंडर और रिसीवर को लगेगा कि इसने कोई मैसेज सेंड किया और रिसीवर को एज इट इज़ वो रिसीव हुआ है। तो ये पूरी गारंटी जो है वो इन लेयर्स की है, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, के डेटा फ्रेगमेंट करें एंड डीफ्रेगमेंट करें, यानी कंबाइन करें। तो आइडेंटिफायर फील्ड बताएगा कि रीअरेंजमेंट कैसे करना है इन पैकेट का, जब आप उनको कंबाइन करके एक सेगमेंट बना रहे हो, यानी किस पैकेट के बाद में कौन सा पैकेट अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 23, इन क्लासलेस एड्रेसिंग देर आर नो क्लासेस बट एड्रेसेस आर स्टिल ग्रांटेड इन ब्लॉक्स। तो हमेशा आप एड्रेस ब्लॉक्स में ग्रांट करते हो। ब्लॉक्स में ग्रांट करना मतलब क्या है कि अगर क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग यूज कर रहे हो तो आप एड्रेस ऐसे डिलीवर करोगे, जैसे आपने कहा कि 202.17.13.2/19, इसका मतलब है कि आपकी सबनेट आईडी जो है वो 19 बिट की है और रिमेनिंग 13 बिट्स जो है वो होस्ट आईडी है, यानी कि आप 2^13-2 इतने होस्ट हो सकते हैं आपके पास में। तो होस्ट जो होंगे वो हमेशा 2^2 में होंगे। ये ब्लॉक है, एक ब्लॉक मिला है आपको आईपी एड्रेसेस का। तो हम क्योंकि क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग में बहुत सारे आईपी एड्रेसेस वेस्ट हो रहे थे, इसलिए हमने क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग यूज करी। सो हम हमेशा ब्लॉक्स की फॉर्म में आईपी एड्रेसेस ग्रांट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इन IPv4 एड्रेसेस क्लासफुल एड्रेसिंग इज रिप्लेस्ड विद व्हाट। सो वी हैव रिप्लेस्ड क्लासफुल आईपी एड्रेसिंग विद क्लासलेस एड्रेसिंग। सो क्लासलेस एड्रेस, क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारे पास में 5 क्लासेस हैं एड्रेसिंग की, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्योंकि कुछ जैसे क्लास सी की बात करें तो क्लास सी में होस्ट आईडी 8 बिट्स की है, इसका मतलब कि बहुत बहुत कम आईपी एड्रेसेस हैं, ओनली 255। क्लास ए की बात करें तो होस्ट आईडी 224 बिट्स की है, यानी कि आपके पास में अबाउट 16 मिलियन आईपी एड्रेसेस हैं क्लास ए में। तो जब आप किसी को आईपी एड्रेसेस ग्रांट करते हो किसी भी कंपनी को, तो आपको पूरा की पूरी एक क्लास ग्रांट करनी होती है। क्लास ग्रांट करोगे मतलब आप उसके सारे के सारे आईपी एड्रेसेस ग्रांट करोगे। अगर क्लास ए ग्रांट कर रहे हो तो 16 मिलियन ग्रांट कर रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारा वेस्टेज हो। तो उन सब वेस्टेज से बचने के लिए हमारे पास में क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग है। क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट एड्रेस इन ब्लॉक इज यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेस दैट रिप्रेजेंट द क्लास नेटवर्क एंटिटी और ऑर्गेनाइजेशन।
दिस इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क आईडी. ये कह रहा है कि फर्स्ट एड्रेस इन द ब्लॉक इज यूज्ड एज नेटवर्क एड्रेस. नेटवर्क एड्रेस मीन्स नेटवर्क आईडी. तो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करती है कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. हर एक आईपी एड्रेस में दो पार्ट होंगे, दैट इज नेट आईडी एंड होस्ट आईडी. तो नेट आईडी ये बताएगी कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. जैसे अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स से हर एक यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर नेट आईडी होगी क्योंकि वो एक अलग नेटवर्क है. तो हर एक नेटवर्क का एक नेट आईडी होगी. उस नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे, ओके, बहुत सारे होस्ट होंगे. उन होस्ट की एक होस्ट आईडी होगी. तो नेटवर्क के अंदर किस होस्ट को डेटा सेंड करना है ये आपकी होस्ट आईडी बताएगी. तो नेटवर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम नेट आईडी यूज़ करते हैं, और उस नेटवर्क के अंदर किसी होस्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम होस्ट आईडी यूज़ करते हैं. सो नेट आईडी इज़ यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनाइजेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. Which of these is not a class of IP addresses? So in classless, in classful IP addressing, we have only five classes. That is class A, class B, class C, and class D, class E. So we do not have any class F in classful IP addressing. Question number 27. The size of IP address in IPv6 is what? So IPv6, we have two kind of IP addresses. We have two versions, that is IPv4 and IPv6. So IPv4 is of 32 bits and IPv6 is of 128 bits. Okay, so 128 bits, or you can say 16 bytes. So option B is the right answer. The header length of an IPv6 datagram is what? So the header of IPv6 is 40 bytes, and so you can see this is the header of IPv6. Okay, in IPv6 we have these four mandatory fields. Okay, these four are mandatory fields, and then we have extension header. So this is main header, that is fixed header. Except that this header we have an extension header. हमारे पास में एक extension header भी है. तो ये mandatory part है. तो as you can see एक ये रो है 32 बिट्स की, यानी कि 4 बाइट की ये रो है, यानी कि 16 बिट्स प्लस 8 प्लस 8, दैट इज 32 बिट्स मीन्स 4 बाइट्स. तो 4 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स, क्योंकि IPv6 एड्रेस जो है वो 16 बाइट्स का है. यानी कि ये वाला फील्ड कितने बिट का है? 128 बिट्स, यानी कि 16 बाइट, और ये फील्ड 16 बाइट्स. सो टोटल वी हैव 32 प्लस 8, 40 बाइट्स. तो 40 बाइट्स का IPv6 का हेडर है, क्योंकि सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस IPv एड्रेस है, और वो है 128 बिट्स का इन IPv6 एड्रेसिंग. क्वेश्चन नंबर 29. इन द IPv6 हेडर द ट्रैफिक क्लास फील्ड इज सिमिलर टू विच फील्ड इन द IPv4 हेडर. सो वी हैव अ ट्रैफिक क्लास फील्ड इन हियर, एंड दिस फील्ड इज सेम एज टाइप ऑफ सर्विस फील्ड. Okay, in IPv4, in place of this, we have type of service. Okay, in this, we have traffic class. Traffic कौन किस तरह का है? इसमें हम क्या कहते हैं? Type of service में कि type service का type क्या है? Question number 30. Which field determines the lifetime of IPv6 datagram? So, we have a field TTL. TTL क्या बताएगा? कि lifetime क्या है एक IPv6 के datagram की? क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर क्लास बी नेटवर्क आईडी यूजिंग द डिफॉल्ट सबनेट मास्क. ओके, अगर आप डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करते हो क्लास बी में, तो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा? अगर हम क्लास बी की बात करें, तो क्लास बी का फॉर्मेट ये है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पूरा 32 बिट का है. ओके, आईपी एड्रेस 32 बिट का है, और ये 32 बिट दो पार्ट में डिवाइडेड है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी. पहली दो बिट्स रिजर्व्ड है, उसके बाद में 6 बिट, ओके, उसके बाद में 14 बिट्स एंड 16 बिट्स की होस्ट आईडी है. ओके, तो फॉर्मेट ये है, 16 बिट की होस्ट आईडी एंड 16 बिट की नेट आईडी, जिनमें से दो बिट्स रिजर्व्ड हैं. तो क्लास बी में अगर नेट आईडी 16 बिट की है, इसका मतलब क्या है कि नेट मास्क होगा 255.255.0.0. ओके, ये है नेट मास्क क्लास बी का नेट मास्क, क्योंकि 16 बिट नेट आईडी के हैं और 16 बिट होस्ट आईडी के हैं. नेट मास्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेट आईडी वाली बिट है उन सबको 1-1 कर देंगे, और होस्ट आईडी वाली बिट 0-0 कर देंगे. तो उससे मिल जाएगा नेट मास्क.
तो जब आप 16 बिट को 111 करोगे तो 255.255 बन जाएगा। तो नेट मास्क निकालने के लिए हम ये करते हैं। ब्रॉडकास्ट के लिए हम क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए हम सिंपली एक चीज़ करते हैं, और वो है कि होस्ट 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 वाली होस्ट होस्ट पार्ट की सारी बिट्स हम 111 कर देंगे। तो 255.255.255.255 ये होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, सो ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। अगर आप बात करो क्लास बी में, तो क्लास बी की रेंज है 128 से 191 तक। ओके, तो इनमें से कौन सा क्लास बी में है, ये भी क्लास बी में है, ये भी क्लास बी में है, लेकिन ये है तो क्लास बी में, लेकिन इसमें जो प्रोड इसने होस्ट आईडी दिखाई हुई है 24 बिट्स की, जो कि नहीं हो सकती। इन दो में 16 बिट की नेट आईडी है। ओके, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसने 8 बिट का ही होस्ट दिखाया हुआ है, जो कि गलत है, ये दो गलत हैं। ओके, इसमें अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है, ये क्लास बी का एड्रेस है। पहला पार्ट बता रहा है क्लास बी का, क्योंकि रेंज क्या है 128 से 191 तक, और क्योंकि क्लास बी का है तो क्लास बी में होस्ट आईडी है 16 बिट की। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, होस्ट वाले पार्ट की सारी बिट्स वन कर देते हैं। तो जब आप 16 बिट को 111 करोगे तो वो हो जाएगा 255.255। सो सी इज द राइट आंसर। एक्चुअल में बी भी एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, लेकिन बी नॉर्मल ब्रॉडकास्ट एड्रेस है अगर आपको लोकल नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करना है। लेकिन आपको अगर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए आपको नेट आईडी मेंशन करनी होगी कि किस नेटवर्क में आपको ब्रॉडकास्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32, यू हैव एन आईपी एड्रेस दिस विद ए मास्क दिस, दिस इज द सबनेट मास्क, व्हाट इज योर क्लास ऑफ एड्रेस, सबनेट एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आपको तीन चीज बतानी है, क्लास, सबनेट आईडी एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, तीन चीजें बतानी है। क्लास आप कहां से पता लगाओ, क्लास पता लगाओगे आप यहां से, रेंज क्या है। अगर आप क्लास ए की बात करो, क्लास ए की रेंज है 0 से 127, क्लास बी की रेंज है 128 से 191 तक, क्लास सी की रेंज है 192 से 223 तक, क्लास डी की रेंज है 224 से 239 तक, एंड क्लास ई की रेंज है फाइनली 240 से 255 तक। तो आप देख सकते हो कि ये 172 जो है वो रेंज में आ रहा है क्लास बी की। तो पहली चीज क्लास बी है। सेकंड, ये पूछ रहा है कि सबनेट आईडी क्या होगी, ओके, सबनेट एड्रेस क्या होगा। सबनेट एड्रेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली सबनेट आईडी के लिए हम एक चीज करते हैं, वो है आईपी एड्रेस को सिंपली एंड कर दो इसके साथ में, सबनेट मास्क के साथ में। यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया हुआ है 172.16.13.5, जब आप इसको एंड करोगे 255.255.255.128 के साथ में, तो क्या आएगा, जहाँ जहाँ पर 255 है वहाँ तो एज इट इज़ वही आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वन होंगे, यहाँ पे सारे के सारे वन है, और यहाँ पे जो जो वन होगी उनके नीचे वन आ जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि 172। तो अगर 255 के साथ में किसी भी चीज़ को एंड करोगे तो वही चीज़ आएगी 16, 13। अब यहाँ पे क्या होगा, वन, अब इसकी इसकी बाइनरी लिखनी होगी आपको, 5 की बाइनरी 8 बिट्स में क्या होगी, 5 की बाइनरी ये होगी, 128 की बाइनरी क्या होगी, ये होगी 128 की बाइनरी। सो आप इनका एंड करोगे तो क्या आएगा, 008 times 0 आएगा, इसका मतलब क्या है कि लास्ट वाला ऑक्टेट 0 होगा। तो ये है सबनेट आईडी। ओके, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, ब्रॉडकास्ट में हम सिंपली क्या करेंगे, सारी की सारी होस्ट वाली बिट्स वन कर देंगे। तो इसको अगर हम देखें तो मैच कर रहा है ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि 172.16.13.0, ओके, क्लास बी में है और सबनेट आईडी भी सही है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, दिस विल बी द ब्रॉडकास्ट एड्रेस 255। ओके, 255, क्योंकि नेट आईडी कितने बिट की है, 8 बिट्स की। आपने क्या किया है, क्लास बी के नेटवर्क से सब नेटवर्क्स बनाए हैं, और अपने सब नेटवर्क के लिए जो बिट्स बोरो की है होस्ट वाले पार्ट से, वो 9 बिट्स बोरो की है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया है, ये होस्ट वाला पार्ट था, क्लास बी है, तो लास्ट की 16 बिट होस्ट वाले पार्ट की थी। तो आप जितना आपको सब नेटवर्क बनाने हैं, तो आप सब नेटवर्क के लिए क्या करते हैं, होस्ट से बिट्स बोरो करते हैं।
तो यहाँ पे आपने क्या किया, 8 बिट्स वन कर दी और यहाँ पे लास्ट पहले वाली बिट वन कर दी, तो आपने 9 बिट्स बोरो की है सब नेटवर्क के लिए, इसीलिए 255 क्या होगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ यू वॉन्टेड टू हैव 12 सब नेट्स विद क्लास सी नेटवर्क आई डी, विच सब नेट मास्क वुड यू चूज। तो क्लास सी में अगर हम बात करें सब नेट की, नेट मास्क क्या है क्लास सी में, 255.255.255.0, ये है सब नेट मास्क। इस नेटवर्क में से अगर आपको सब नेटवर्क बनाने हैं 12, तो 12 सब नेट के लिए कितनी सब नेट बिट चाहिए आपको, 12 सब नेट के लिए बिट्स चाहिए होंगे। अगर मैं 3 बिट्स लूँ तो सिर्फ 8 ही सब नेट बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 4 बिट्स लेता हूँ तो 4 बिट के साथ में मैं 2^4 - 2 इतने सब नेट बना सकता हूँ। ओके, तो इससे बनेंगे 14 सब नेट्स। ओके, कम ना होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं, तो मुझे 4 बिट्स बोरो करनी होगी होस्ट वाले पार्ट से। क्लास सी में लास्ट का ऑक्टेट किसके लिए है, होस्ट के लिए है, क्योंकि नेट आईडी 24 बिट्स की है और होस्ट आईडी 8 बिट्स की है, तो मैं यहाँ से 4 बिट्स बोरो करूँगा। इसका मतलब क्या है, बोरो करने का मतलब क्या है कि अभी ये ऐसे है 255.255.255. लाइक दिस, अगर मैं इस लास्ट वाले ऑक्टेट को बाइनरी में लिखता हूँ तो अभी ये ऐसे है। जब मैं यहाँ से 4 बिट्स बोरो करूँगा, 4 बिट बोरो करने का मतलब क्या है कि मैं उन सबको 1 कर दूंगा। जब 4 बिट्स को मैं 111 करूँगा तो उसका डेसिमल में रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा, ये होगा 128 + 64 = 192 + 64 + 32, दैट इज 224 एंड +8 दैट विल बी 240। ओके, 192 + 32 इज 224, 224 + 16 इज 240, सो दिस विल बिकम 255.255.255.240, दिस विल बी योर नेट मास्क, सब नेट मास्क। ओके, सब नेट मास्क, सो द आंसर इज सी। आपको सिर्फ ये देखना है कि कितनी बिट आपको सबनेट के लिए चाहिए, अगर 12 सबनेट बनाने हैं तो आपको 4 बिट चाहिए होगी, अगर आपको 25 सबनेट्स बनाने हैं तो आपको 5 बिट्स चाहिए होंगी, 32 सबनेट्स बनाने हैं तो आपको 5 बिट्स चाहिए होंगी, इसलिए आपको देखना होता है कितने सबनेट चाहिए, उसके लिए बिट्स कितनी चाहिए होंगी। जितनी बिट्स चाहिए वो आप होस्ट वाले पार्ट से बोरो कर सकते हो, बोरो करने का मतलब है कि अगर आपको 4 बिट्स चाहिए तो 4 बिट्स को 111 कर दो होस्ट वाले पार्ट से, उसका सिंपली डेसिमल फाइंड आउट करो और वो होगा आपका नेट मास्क। तो क्लास सी इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस दैट कैन बी असाइंड टू अ होस्ट ऑन अ लोकल सबनेट दैट यूजेस द सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क है 255.255.255.224, तो अगर 224 को मैं बाइनरी में लिखता हूँ तो होगा 128 + 64 = 192 + 32 = 224, तो ये होगा। ओके, तो इसमें आपने क्या किया है, क्लास सी थी, क्लास सी में से 3 बिट्स बोरो की है सबनेट के लिए, यानी कि 3 बिट्स का आपका सबनेट है। पिछले वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो पिछले वाले क्वेश्चन का उल्टा है बिल्कुल, ये है सबनेट बिट्स 3 बिट, तो कितने सबनेट बना सकते हैं हम, इससे बना सकते हैं हम 2^3 - 2, क्योंकि 3 बिट का सबनेट है। ओके, 3 बिट के सबनेट से आप 6 सबनेट बना सकते हो, बाकी बची 5 बिट्स। अब ये 5 बिट्स हैं होस्ट के लिए, रिमेनिंग 5 बिट्स जो है वो होस्ट के लिए है, और 5 बिट से आप 2^5 - 2 यानी कि 30 होस्ट बना सकते हो। तो इस नेट मास्क के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल सकते हो, अगर आपको नेट मास्क दिया हुआ है तो आप सब नंबर ऑफ सब नेटवर्क्स भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ होस्ट भी निकाल सकते हो इन ईच सबनेट। तो नंबर ऑफ होस्ट होंगे होस्ट वाली बिट्स से, यहाँ पे जितनी बिट्स बची वो होस्ट की बिट्स हैं, सो 30 होस्ट होंगे एंड 8 सबनेट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 35, यू नीड टू सबनेट अ नेटवर्क दैट हैज सबनेट्स। तो आपको एक नेटवर्क को 5 सबनेटवर्क्स में डिवाइड करना है, ईच विद एटलीस्ट 16 होस्ट, और हर एक सबनेटवर्क में 16 होस्ट होने चाहिए। विच क्लासफुल सबनेट मास्क वुड यू यूज। अगर मुझे 5 सबनेट बनाने हैं, इसका मतलब मुझे सबनेट के लिए कितनी बिट्स चाहिए होंगी, सबनेट बिट्स कितनी चाहिए होंगी 5 सबनेट के लिए, 3 बिट्स काफ़ी है, क्योंकि तीन, अगर मैं 2 बिट लेता हूँ तो 2 बिट से मैं सिर्फ 2 ही सबनेट बना सकता हूँ, 2 बिट से मैं कितने बना सकता हूँ, 2 बिट से मैं 2 सबनेट बना सकता हूँ, एक्चुअली मैं 4 बना सकता हूँ लेकिन 2 यूज़ नहीं कर सकता हूँ। 2 बिट से मैं बना सकता हूँ 00, 01, 10 एंड 11। 00 जो है वो नेट आईडी होती है और 11 हम ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, बस हम ये 2 ही यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए 2 माइनस करते हैं। तो 3 बिट्स हैं तो 3 बिट्स के साथ में हम 2^3 - 2 यानी कि 6 सबनेट बना सकते हैं, तो 3 बिट्स मुझे यूज़ करनी होगी सबनेट के लिए,
और होस्ट के लिए मुझे चाहिए 16 होस्ट। 16 होस्ट मीन्स क्या है कि मैं 4 बिट्स का होस्ट होगा। तो जब मैं सब नेटवर्क्स बनाऊंगा, सब नेटवर्क के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 बिट्स बोरो करनी होगी। लेट्स से अगर मैं क्लास ए के साथ में देखता हूँ तो क्लास ए में मैंने सिर्फ 2 बिट्स बोरो की हैं। अगर मैं 192 को बाइनरी में लिखता हूँ तो ये होगा। ओके, तो 2 1 से इसका मतलब क्या है कि 2 बिट सबनेट है, लेकिन मुझे 3 बिट सबनेट चाहिए। इसमें क्या होगा, लास्ट वाली 128 प्लस 64 192 प्लस 30 224। तो इसमें मैंने कितनी बिट्स बोरो की है, 3 बिट्स। इसका अगर मैं बाइनरी लिखता हूँ ये होगा 1111000। ओके, ये है 240। और 248 में क्या होगा, मैंने 5 बिट्स बोरो की है, तो मुझे 3 बिट बोरो करनी है क्योंकि 5 सबनेट बनाने हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। इफ एन इथरनेट पोर्ट ऑन ए राउटर वर असाइंड एन आई पी एड्रेस दिस, वट वुड बी द वैलिड सबनेट एड्रेस ऑफ दिस होस्ट। तो आपने एक आई पी एड्रेस लिखा है और ये फॉर्मेट है CIDR, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग का। जब हम आई पी एड्रेस लिखते हैं तो वो इस फॉर्म में लिखते हैं 172.16.112.125/25 का मतलब है कि ये 25 बिट्स जो हैं ये सबनेट बिट्स हैं, 25 बिट्स सबनेट। अगर आपको निकालना है कि नंबर ऑफ होस्ट में कितनी बिट होगी, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, नंबर ऑफ होस्ट बिट के निकलिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि टोटल आईपी एड्रेस 32 बिट का है और 32 में से 25 बिट्स जो है वो सबनेट के लिए है। तो बची हुई बिट्स कितनी आपके पास में, 7 बिट्स होस्ट के लिए हुई, यानी कि 7 बिट का होस्ट है। तो ये पूछ रहा है व्हाट विड बी द वैलिड सबनेट एड्रेस ऑफ दिस होस्ट। तो ये आईपी एड्रेस दिया हुआ है आपको और 25 बिट का सबनेट मास्क है। 25 का सबनेट मास्क मतलब क्या है कि 255.255 16 बिट्स इंटू 255 24 बिट्स डॉट, एक बिट और वन करनी है, यानी कि पहली बिट वन करी मैंने और बाकी सारी बिट्स जीरोज रखी। तो ये है 255.255.255.128, ये हुआ आपका सबनेट मास्क। अब मुझे अगर निकालना होगा, मुझे निकालना है व्हाट विल बी द वैलिड सबनेट एड्रेस, यानी कि मुझे सबनेट आईडी निकालनी है। सबनेट आईडी के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर आपको याद हो सबनेट नेट आईडी के लिए मैं क्या करता था, नेट मास्क को एंड करता था आईपी एड्रेस के साथ में। सबनेट आईडी के लिए क्या करूंगा, आईपी एड्रेस को एंड करूंगा सबनेट मास्क के साथ में। और आईपी आपको दिया हुआ है 172.16.112.1। ओके, इसका मतलब क्या है कि नेट आईडी जो होगी वो होगी 172, नॉट नेट आईडी, एक्चुअली सबनेट आईडी। तो सबनेट आईडी होगी 172.16.112.0, क्योंकि 128 का बाइनरी होगा 1 एंड देन ऑल जीरोस, और 1 का बाइनरी होगा 1 इन द लास्ट। ओके, ये है बाइनरी 1 का। तो इनका जब आप एंड करोगे तो एंड आएगा 0000000, और ये है 0। ओके, इसलिए मैंने लिखा 172.16.112.0। तो ये है सबनेट आईडी। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। यू हैव एन इंटरफेस ऑन ए राउटर विद द आईपी एड्रेस दिस। ओके, एक राउटर है, उसका आईपी एड्रेस ये है। मतलब क्या है कि जो सबनेट मास्क है वो 29 बिट्स का है। इंक्लूडिंग द राउटर इंटरफेस हाउ मेनी होस्ट कैन हैव आईपी एड्रेसेस ऑन द लैन अटैच टू द राउटर। अब ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग द राउटर इंटरफेस, ये याद रखना। ओके, तो आपके पास में नेट मास्क जो है वो सबनेट मास्क 29 बिट्स का है। ओके, 29 बिट्स का सबनेट मास्क है, और ये कह सकते हो कि आप सबनेट आईडी 29 बिट्स की है, क्योंकि सबनेट आईडी की सारी बिट्स को वन करके हम सबनेट मास्क मिलता है। तो एक ही बात है, सबनेट मास्क 29 बिट्स का है या फिर सबनेट आईडी 29 बिट्स की है। तो ये पूछ रहा है कि कितने टोटल एड्रेसेस हो सकते हैं अगर हम इंक्लूड करें राउटर का इंटरफेस भी। तो 29 बिट्स मीन्स क्या है कि 32 बिट का आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस 2 पार्ट में है, नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो जब 32 बिट का आईपी एड्रेस है और 29 बिट की नेट आईडी है, तो बची कितनी, 3 बिट्स, 3 बिट के होस्ट होगा, 3 बिट होस्ट। और 3 बिट के होस्ट हम कितने होस्ट बना सकते हैं, हम बना सकते हैं 2^3 -2, दैट इज 6। लेकिन ये कह रहा है कि इंक्लूडिंग द राउटर इंटरफेस, तो
अगर आप राउटर इंटरफेस भी इंक्लूड करो, राउटर इंटरफेस का मतलब क्या है कि आपने जो दो माइनस किया है वो जरूरत नहीं है, वो भी आपको इंक्लूड करना है। हम दो माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि पहला एड्रेस जो है वो हम सिर्फ होस्ट, हम राउटर के इंटरफेस को दे सकते हैं क्योंकि वो नेट आईडी है। तो अगर आप उसको भी इंक्लूड करो तो 8 होगा, अगर आप सिर्फ होस्ट की बात करो तो 6 होंगे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सब नेटवर्क नंबर, सब नेट आईडी, सब नेटवर्क नंबर मीन्स सब नेट आईडी के बारे में पूछ रहा है। ऑफ ए होस्ट विद एन आई पी एड्रेस ऑफ दिस, ओके ये आई पी एड्रेस दिया हुआ है 172.16.66.0/21। इस इंफॉर्मेशन से आप बहुत कुछ निकाल सकते हो, इससे आप नेट मास्क निकाल सकते हो, सब नेट मास्क निकाल सकते हो, सब नेट आईडी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ सब नेटवर्क निकाल सकते हो एंड नंबर ऑफ आई पी एड्रेसेस निकाल सकते हो। तो अब ये पूछ रहा है कि सबनेट नंबर क्या होगा क्लास, क्योंकि सबनेट आईडी 21 बिट की है, तो अगर आप 21 बिट को 11 करते हो सबनेट मास्क निकालने के लिए, ये है 16 बिट्स और आपको 5 बिट्स और 1 करनी है। जब आप 5 बिट्स और 1 करोगे तो आपको मिलेगा 248, ओके सो डॉट ज़ीरो ये है सबनेट मास्क। ओके सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबनेट आईडी की सारी बिट्स को 1 कर देंगे, ये है 21 बिट्स, ये कह रहा है कि 21 बिट्स की सबनेट आईडी है, तो 21 बिट्स को जब आप 1 करोगे तो वो ये आएगा डेसिमल में। और आईपी एड्रेस दिया हुआ है 172.16.66.0, ये आईपी एड्रेस है, आपको फाइंड आउट करना है सबनेट आईडी, सबनेट आईडी होगी 172.16, इनको जब आप एंड करोगे तो ये आएगा। तो जब आप 248 को एंड 66 को एंड करोगे तो क्या आएगा, 248 का बाइनरी है 11111000 और 66 का बाइनरी है 01000010। ओके तो इसका जो फाइनली एंड करोगे तो होगा 0000 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और ये है 64, तो यहाँ पे आएगा 64.0। सो द सबनेट आईडी इज 172.16.64.0। क्वेश्चन नंबर 39, द नेटवर्क एड्रेस ऑफ 172.16.0.0 प्रोवाइड्स हाउ मेनी सब नेटवर्क्स एंड होस्ट। तो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो एक क्लास बी है, क्योंकि 172 है, क्लास बी में नेट आईडी होती है 16 बिट की, ओके लेकिन आपने इसको एक्सटेंड करके 19 बिट का कर दिया है, यानी कि 3 बिट का सबनेट है। तो आपने क्या किया है, 3 बिट का सबनेट है, यानी कि सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क होगा डिफॉल्ट आपका जो नेट मास्क था क्लास बी का वो था 255.255, ये था सबनेट नेट मास्क। तब आपने 3 बिट और बोरो कर लिए क्योंकि 16 बिट से आपके एक्सटेंड करके 19 बिट का कर दिया है, यानी कि आपने क्लास बी के एक नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया है, उसके लिए आपको 3 बिट्स बोरो करनी पड़ी होस्ट वाले पार्ट से। तो अब वो बन जाएगा, अगर आप 3 बिट बोरो करते हो तो 224.0, ये नेट सबनेट मास्क बन गया है, यानी कि 3 बिट का सबनेट है। 3 बिट का सबनेट का मतलब ये है कि आप 2^3 - 2 इतने सब नेटवर्क बना सकते हो, दैट इज 6, ओके 6 सब नेटवर्क्स बना सकते हो। अगर आप इंक्लूड करो एक और सब नेटवर्क जो बाकी आपके दो, अगर पूरे सब नेटवर्क की बात करें, हर पूरे सारे के सारे सब नेटवर्क्स की बात करें तो टोटल 8 होंगे, लेकिन जो असाइनेबल है वो 6 ही होंगे, ओके तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी सबनेट्स एंड होस्ट, होस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो टोटल आईपी एड्रेस है वो 32 बिट का आईपी है, और आईपी में दो चीज़ें हैं, सबनेट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो 32 माइनस 19 बिट की सबनेट आईडी है, टोटल बची 13 बिट्स, 13 बिट से आप कितने होस्ट बना सकते हो, 2^13 - 2, दैट मीन्स 8 × 1024 - 2, सो इसको आप देखोगे तो आएगा 8192 - 2, दैट इज 8190। इतने होस्ट हो सकते हैं और 8 सब नेटवर्क्स हो सकते हैं, यानी क्लास आंसर इज द ऑप्शन बी, 8 सब नेटवर्क्स, 8190 होस्ट इन ईच सब नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 40, मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी सेंट ओवर अ टीसीपी कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इन परसिस्टेंट एचटीटीपी। एचटीटीपी दो तरह का है, दैट इज परसिस्टेंट एचटीटीपी एंड नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट एचटीटीपी में क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग कनेक्शन बनेगा। अगर आपकी आपके वेब पेज पे 5 ऑब्जेक्ट हैं, जिनमें से लेट से 5 ऑब्जेक्ट में से 4 4 इमेजेस हैं और एक टेक्स्ट फाइल है,
तो क्या होगा, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग से कनेक्शन बनेगा। ओके, इसका मतलब क्या है कि पांच कनेक्शन बनेंगे उस पूरे वेब पेज को लोड करने के लिए। लेकिन अगर परसिस्टेंट एचटीपी है तो पूरा का पूरा पेज एक टीसीपी कनेक्शन में आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी सेंट ओवर ए टीसीपी कनेक्शन इन परसिस्टेंट एचटीटीपी। एचटीटीपी इज विच लेयर प्रोटोकॉल, हमें पता है कि एचटीटीपी क्या है, हम वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, और वेब ब्राउजिंग कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन लेयर पे। तो जो भी यूजर सर्विसेज हैं, जो भी यूजर काम कर रहा है इंटरनेट पे, वो एप्लीकेशन लेयर पे कर रहा है, चाहे वो फाइल डाउनलोड कर रहा हो, या मेल सर्विस यूज कर रहा हो, या फिर लेट्स से ब्राउजिंग कर रहा हो, या फिर वीडियो कॉल कर रहा हो। तो सारी सारी एप्लीकेशन कहाँ हैं, एप्लीकेशन लेयर पे हैं। तो ए इज द राइट आंसर। इन द नेटवर्क एचटीटीपी रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय, we know that by URL, and the full form of URL is uniform resource locator or identifier. Okay, this is URL, unique, that is not unique, actually unique, it should be uniform resource locator. So let's say B is the right answer. Question number 43, FTP server listens for connection on port number what? So FTP uses two protocols, 20 and 21. These two protocols are used by FTP. लेकिन कनेक्शन किस पे establish करता है, एक कनेक्शन एक establish, एक आपका कंट्रोल कनेक्शन के लिए है और एक डेटा कनेक्शन के लिए। सो इनिशियली आप कंट्रोल कनेक्शन establish करते हो यूजर नेम एंड पासवर्ड सप्लाई करने के लिए, तो वो कनेक्शन आप establish करते हो पोर्ट नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 44, इन FTP प्रोटोकॉल क्लाइंट कॉन्टेक्ट सर्वर यूजिंग विच एज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। सो FTP एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अब ये FTP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल TC को ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन कि हम कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर पे, हम TCP या UDP में से एक प्रोटोकॉल चूज करते हैं। अगर प्रोटोकॉल ऐसा, अगर FTP अगर एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल ऐसा है, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो ऐसी है कि आपको डिलीवरी करनी है, गारंटीड आपका डेटा सेंड होना ही होना चाहिए, तो आप TCP यूज करोगे। अगर आपके लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर कर रही है तो आप क्या यूज करोगे, UDP यूज करोगे, अगर स्पीड मैटर कर रही है डेटा की। तो हम FTP के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP यूज करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम कनेक्शन जरूरी है, क्योंकि आप फाइल डाउनलोड कर रहे हो, फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो आप चाह रहे हो कोई डेटा लॉस ना हो। TCP ये इंश्योर करेगा कि आप जो डेटा सेंडर से आ रहा है वो रिसीवर तक पहुंचे, क्योंकि ये एक्नोलेजमेंट प्रोवाइड करता है। सो TCP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, IPsec इज डिजाइन टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी एट द नेटवर्क लेयर। IPsec एक प्रोटोकॉल है जो IP एड्रेस के लिए यूज करते हैं, हम IP लेयर के लिए यूज करते हैं। ओके, पैकेट्स को सिक्योर करने के लिए। अगर आप IPsec प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो सिक्योरिटी के लिए, तो आपकी जो भी पैकेट्स आप सेंड करोगे नेटवर्क लेयर पे, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46, इन टनल मोड IPsec प्रोटेक्ट द IP हेडर, IP पेलोड और एंटायर IP पैकेट। एक्चुअली IPsec प्रोटोकॉल सिक्योर्स एंटायर IP पैकेट। क्वेश्चन नंबर 47, नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज ए फ्रेम फिल्टर और पैकेट फिल्टर। तो नेटवर्क लेयर का नाम देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि नेटवर्क लेयर की बात कर रहे हैं, और नेटवर्क लेयर पे हम पैकेट यूज करते हैं, तो फायरवॉल भी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होगी, ना कि फ्रेम फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 48, WPA2 इज यूज फॉर सिक्योरिटी इन Wi-Fi। आपने सुना होगा कि आप Wi-Fi पे पासवर्ड प्रोटेक्ट करते हुए, तो WEP के थ्रू या फिर WPA के थ्रू। ओके, ये दो प्रोटोकॉल यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, किस पे, Wi-Fi पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एन अटेम्प्ट टू मेक अ कंप्यूटर रिसोर्स अनअवेलेबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर्स इज कॉल्ड व्हाट। सो अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ रहे हो, नेटवर्क सिक्योरिटी में आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ अटैक्स। टाइप्स ऑफ अटैक्स में से एक एक्टिव अटैक है, दो तरह के अटैक होंगे, पैसिव अटैक एंड एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक में हम सिर्फ नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं, हम कुछ हार्म नहीं करते हैं, सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या क्या ट्रांसमिशन हो रहा है। लेकिन एक्टिव अटैक में हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में एक्टिवली सर्वर को अटैक करते हैं। तो डिनायल ऑफ सर्विस ऐसा ही एक अटैक है कि हम क्या करते हैं कि बहुत सारे फेक मैसेजेस सर्वर पे बॉम्ब कर देते हैं। ओके, हम सर्वर पे पैकेट्स की, जो आपके फेक पैकेट्स हैं, वो बॉम्ब करते हैं। तो फेक पैकेट बॉम्ब करने से क्या होगा, जो आपका सर्वर होगा वो फेक रिक्वेस्ट को हैंडल करने में रह जाएगा, और जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी कि रिसोर्स जो है वो अनअवेलेबल हो जाएगी।
तो दैट इज नॉन एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. क्वेश्चन नंबर 50, प्रीटी गुड सर्विस पीजीपी इज यूज फॉर वॉट. पीजीपी वी यूज फॉर ईमेल सिक्योरिटी. ओके, पीजीपी एक प्रोटोकॉल है जो हम ईमेल सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं और ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है. सो दीज आर द नेक्स्ट 50 क्वेश्चन. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 100 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सो वी विल मीट टुमारो विद द नेक्स्ट 50 क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क.